अस्सलाम वालेकुम, दिस सलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। इस वीडियो में सीखेंगे कि स्काई स्क्रैपर टेक्निक क्या होती है। तो बेसिकली इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फाइंड लिंक वर्थी कंटेंट, उसके बाद स्टेप टू मेक समथिंग इवन बेटर, उसके बाद स्टेप थ्री रीच आउट टू द राइट पीपल। तो ब्रांड इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेक्निक इस वजह से ज़्यादा अच्छी वर्क करती है क्योंकि इंसान की फितरत ये है कि वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर से बेहतर देखना चाहता है। मतलब अगर वो किसी लंबी बिल्डिंग को देखेगा तो वो ये सोचेगा कि इससे ज़्यादा लंबी बिल्डिंग किस तरह की होगी। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने कंपेटिटर्स को इस तरह में चेक करें, उसके बाद उनके टॉप पेजेस ओपन करें और वहाँ से कॉन्टेंट के आइडियाज़ लें, या फिर आप बसुमो को यूज़ कर सकते हैं। बसुमो पर जाएँ और अपने टॉपिक को सर्च करें, उसके बाद मेक समथिंग इवन बेटर। तो इसमें आप बेसिकली चार चीज़ें कर सकते हैं, मेक इट लॉन्गर, उसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल से, उसके बाद मोर अप टू डेट, मेक श्योर करेंगे जो आप नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेटेस्ट हो, उसके बाद बेटर डिजाइन, वो विजुअली अपीलिंग हो, उसके बाद मोर थोरो, मतलब आपने उसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, उसके बाद रीच आउट टू द राइट पीपल, उसके बाद रीच आउट टू द राइट पीपल। तो थर्ड स्टेप में जो आपके कंपेटिटर्स को बैक लिंक दे रहे हैं, आप उन्हें आउटरीच करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आपने उनसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है और वो यूजर्स का ज्यादा फायदा कर सकता है, तो वो इस वजह से आपको लिंक करें। तो टेम्पलेट बेसिकली कुछ इस तरीके की हो सकती है। आई वॉज सर्चिंग फॉर सम आर्टिकल्स अबाउट एक्स वाई जेड टूडे एंड आई केम अक्रॉस दिस पेज, और नीचे बताया गया है कि आपने एक आर्टिकल को लिंक किया गया है, तो मैंने भी उस तरीके का आर्टिकल लिखा है। आप चेक कर सकते हैं कि वो पुराने से ज्यादा बेहतर है, तो आप उसे लिंक दे दें। तो उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।